उदक के विषय पर चर्चा करेंगे। उदक क्या होता है? बहुकोशिक जीव में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं में विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। बहुकोशिक जीव में चरम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर। पादप ऊतक अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जंतु ऊतक, जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण होता है। जंतु के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं में विभाज्य वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतु में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। विभाज्य ऊतक पौधों की वृद्धि उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। विभाज्य ऊतक द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्य ऊतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती है और परिपक्व होती है इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। विभाज्य ऊतक के उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना है। ये कोशिकाएं जीवित हैं। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। तन और जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। दूसरा कोलेन्काइमा, पौधों के विभिन्न भाग में बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ऊतक के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में मिलता है। इसकी कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती है। तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। कोशिकाएं लंबी और पतली होती है क्योंकि इन ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों मिलकर समन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम, जाइलम टैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है।
अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करते हैं और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम चार प्रकार के अवयवों, चालिनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशो से मिलकर बना है। फ्लोएम पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक है। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करती है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक चार प्रकार के होते हैं। पहला, शल्की एपिथीलियम, यह अत्यधिक चपटी और पतली होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली और मुंह का स्तर शल्की एपिथीलियम से ढका होता है। घनाकर एपिथीलियम, यह वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथि की नली का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। स्तंभाकार एपिथीलियम, जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहां स्तंभाकार एपिथीलियम होता है। इसे पक्षनाभी एपिथीलियम भी कहते हैं। चौथा, ग्रंथल एपिथीलियम, कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, यह ग्रंथल एपिथीलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी या रेखित पेशी भी कहा जाता है। आहार नली में भोजन या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। चिकनी पेशियां अथवा अनिच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक पेशी कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुजु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन में
कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध या डेंड्राइट होते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतकों के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं।